अच्छा जी, ये सीमा जी को पंचकर्मा में पिचू ट्रीटमेंट दे रही हूँ, जैसे कि शीरो पिचू होता है, वस्ती पिचू, ग्रीवा पिचू, तो ये हम इनके एंकल को सॉफ्ट करने के लिए पिचू, मतलब ये सिर्फ एक मैंने पट्टी ली है, उस पट्टी को इस तरह से ये पूरा एंकल इनका अलाइनमेंट चेंज हो गया है ना, पैरालाइज पेशेंट है, तो इस तरह से करके ये एक पट्टी है, इसको मैं यहाँ पे इस तरह से लपेटेंगे हम, ठीक है। तो इसके ऊपर हम ये हमने कोसा किया है, हल्का गुनगुना ऑयल है वो इस पे डालेंगे, तो इसका टेम्परेचर सेम रखेंगे जो हमने स्टार्टिंग में रखा है, गुनगुना ऑयल, खूब सारा ऑयल डालेंगे, इसको पूरा डिप करेंगे। तो ये पट्टी हमने इसलिए रखी है ताकि सीधा इनको स्किन पे हर्ट ना हो, ज्यादा गर्म ना लगे, ठीक है। ओके सेट कर, ओके ओके, ठीक है। अगर जरा सा भी आपको तेल गर्म लगे तो आप बता देना, ठीक है। तो ये हम, ये जो ट्रे नीचे पड़ी हुई है वो बहुत अच्छे से उसको भर लेंगे हम, ये हल्का गुनगुना है, ज्यादा गर्म तो नहीं है ना, नहीं। तो पेशेंट से बाबा पूछेंगे, क्योंकि बिल्कुल मसल्स को हमें रिलैक्स करना है, ठीक है। उनमें कई बार सूजन आ जाती है, एक ही एंकल में होते हैं, तो रिलैक्स करने के लिए ये पंचकर्मा की थेरेपी बहुत काम करती है, और सॉफ्ट करना है हमें, तो बिल्कुल जबरदस्ती खींच तान करके हमें उनको नहीं करना है, ऐसे रिलैक्स होंगे और अपने आप इनका जो अलाइनमेंट है वो ठीक हो जाएगा। नीचे पंच पास में से रही, देखो पूरा बहुत अच्छे से गुनगुना ऑयल है, और हम इसे बार बार गर्म करेंगे, ठीक है। और जो अभी हमने टेम्परेचर डाला है वो टेम्परेचर हम मेंटेन रखेंगे ऑयल का, तो ये हमें 10 से 15 मिनट करना है, 10 से 15 मिनट इनके इसमें हमें बिल्कुल भी बाधा नहीं डालनी है, जो ऑयल की धारा आ रही है लगातार डालते रहेंगे। गर्म तो नहीं लग रहा? नहीं। अच्छा ठीक है, देखिए इस तरह से पूरा टब में तेल है, हम ये पूरा यहां तक भर देंगे, ठीक है। तो इसको 15 मिनट पैर को इसी में रखेंगे, क्योंकि ये पैर यहां तक तो डूब जाएगा इसमें, तो ये ओके 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 ओके, हल्का गरम, इनका पैर कांपने लग जाता ना, पकड़ जरा, छोड़ो छोड़ो। तो ऑयल में से हमने पैर 15-16 मिनट निकालने के बाद मालिश करनी है हल्के गुनगुने ऑयल से, पैर का एंगल बिल्कुल सीधा रखकर ही मालिश करनी है। गुरुजी फिंगर्स पे गरम लगे तो बताना, ठीक है। गरम है? नहीं, ठीक है। जैसे हमने पैर की मालिश की है बाद में, पहले बहुत अच्छे से पैर को एंकल पूरा डिप किया था ऑयल में, अब इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। ये हमने गौस पट्टी लगा रखी है ताकि तेल सीधा इनको गर्म ना लगे। लीजिए आप उठ के दिखाओ वहां से, ये देखिए, देखिए मसल्स को बिल्कुल सॉफ्ट करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए, जैसे इन्फ्लामेशन हो जाती है, काफी देर से एक ही एंगल में इन्होंने रखा हुआ है ये ज्वाइंट यहां से, तो उसके लिए हमें फिर से मूवमेंट्स में लाना है इस हैंड को। तो ये पंचकर्मा में ऑयल थेरेपी बहुत ही बेस्ट रहती है। पहले 15 मिनट हम इसी तरह से गुनगुने ऑयल के साथ करेंगे, डिप करेंगे पूरा हाथ ही, हम ये जो ट्रे है पूरी भर देंगे ऑयल के साथ, 15 मिनट सेम टेम्परेचर में हम ऐसे ही ऑयल डालेंगे, उसके बाद हम इस हाथ पे मसाज देंगे। हमें लगातार तेल इस तरह से धारा पड़नी चाहिए, बाधा नहीं डालनी है, लगातार डालते रहेंगे। ये देखिए नीचे तेल है जो काफी भर गया है, हाथ इनका पूरी तरह से डिप हो गया है तेल में।
फिंगर्स खोलो। हाँ तो ये अभी सीमा जी का ट्रीटमेंट हो गया है, तो कुछ छोटे छोटे से ट्रीटमेंट है जो आप कर सकते हैं आसानी से करके, ठीक है। तो पंचकर्मा के ट्रीटमेंट, न्यूरोथेरेपी, नेचुरोपैथी, सारे का सारा नेचुरल ट्रीटमेंट है, बिल्कुल ड्रगलेस है, कोई इंजेक्शन कोई दवाई यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप भी जरूर ठीक हो जाएंगे। देखिए एक आपको अपना इस तरह से, जैसे आप सोफे में बैठे हैं कुर्सी पे, ये जो अलाइनमेंट है हमेशा ये ऐसे ही रखती है, अब हम इनको ठीक कर रहे हैं। उसमें आप एक और चीज करेंगे, इस तरह से कुर्सी पे जो हैंडल होता है इस तरह से आप इसको सीधा रखेंगे, ये पूरा अलाइनमेंट इस तरह से रखेंगे। ओके ठीक है।